तेरी शादी से पहले मेरी शादी करा देंगे। हाँ, जितना आसान ये काम लग रहा है उतना आसान है नहीं। आज की सब्जी के लिए लंगड़े तैयार हो गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो अभी सुबह के करीब 8:30 हो रहे हैं और हम सबकी तैयारी हो गई है परवाड़ी जाने की। और आज परवाड़ी में ना हमको बहुत ही ज़रूरी काम निपटाना है। ज़रूरी काम क्या है वो आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। तो चलते हैं जल्दी जल्दी परवाड़ी वाले घर में। जब भी मैं मनसूना मार्केट में आती हूँ ना, तो यहाँ पे मैं अपनी स्कूल को ज़रूर देखती हूँ। और ये सामने देखिए, अब तो यहाँ पे नई बिल्डिंग बन चुकी है, पहले ये वाली बिल्डिंग नहीं थी। तो मैंने भी 12th तक यहीं से पढ़ाई करी है। हमारे घर के ऊपर से ना इतना घना जंगल है कि धूप आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है हमारे इस वाले घर पे। पर अच्छा भी है। क्यों? गर्मियों के लिए तो भाई लोग सर्द मौसम में ज्यादा काम करते हैं। हाँ, वो भी बात सही है। तो जैसे ही हम घर में पहुँचे, पायल देखिए यहाँ पे लगी है होमवर्क करने पे। पायल कितना किया? अच्छा, तो जैसे ही हम गिरिया से घर आए वैसे सभी देखिए जाने लग गए हैं अपने अपने कामों पे। तो अब मैं भी जल्दी जल्दी चलती हूँ। और आज हमारा जो मेन काम है ना वो खेतों में है। यहाँ धारे में हमारा देखिए ये मोया भी लाया हुआ है और आज ना इसी का काम है ज्यादातर खेतों में। भाई क्या देख रहे हो उस पे? देख रहे हैं सीधे लगे हैं कि नहीं लगे हैं। हाँ, ये सारे दाने ना सीधे होने चाहिए। वैसे तो इसको बैलों के द्वारा खींचा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इंसानी खींचते है ना इसको। तो चलो जल्दी जल्दी यार, आज बहुत मेहनत भरा काम होने वाला है। बिल्कुल, चलो प्रीति। हाँ, कुछ दिनों पहले हमारी इस नाशपाती के पेड़ पे ना बहुत सारी नाशपाती लगी हुई थी, लेकिन लंगूरों ने पूरा नुकसान कर दिया। सारी नाशपाती नीचे झाड़ दी और ये टहनियां भी तोड़ दी सारी। तो गौशाला की उस वाली साइड भी हमारे 3-4 खेत हैं, तो अभी हमको वहीं जाना है मोया लगाने के लिए। और यहाँ पे इन्होंने पानी की बोतल छोड़ दी, तब इसको भी ले जाते हैं, क्योंकि काम के साथ साथ पानी पीना भी बहुत जरूरी है। तो अभी माँ पापा ने इस वाले खेत में मोया लगा दिया है, अब माँ और मेरे को नीचे वाले खेत में मोया लगाना है। तो आज हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं, तो ऐसे में काम जल्दी भी हो रहा है। इस खेत में मैंने थोड़ा सा ही मोया लगाया, हालत खराब हो गई है। जितना आसान ये काम लग रहा है उतना आसान है नहीं। आज भारी वाला मोया लगा रहे ना? हाँ, ये बड़ा वाला है ना, ये बैलों का मोया था वैसे। तो यहाँ पे माँ मेरे हाथ पे कुछ बीज दे रही है। ये किस चीज के बीज हैं? मार्छे के। ये है मार्छा। तो इस खेत में तो मंडवा उग के आ रखा है, लेकिन मार्छा एक भी नहीं आ रखा है। तो अभी मैं ये मार्छे के बीज बो दूंगी इस खेत में। तो नीचे वाले खेत में माँ और भाई मोया लगा रहे हैं और यहाँ पे पापा लगे हैं घास काटने पे। पापा हो गया घास? अच्छा, पापा ने एक भारी घास की भी निकाल दी। तो आजकल सबकी छुट्टियां हैं, तो सब लगे हैं माँ की हेल्प करने पे, तो अच्छी बात है। तो इन दो खेतों में तो मोया का काम पूरा हो चुका है, अब भाई और पापा जा रहे हैं नीचे वाले खेतों में। और यहाँ पे इस पेड़ पे देखिए कितने सारे छंचरे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे पापा नीचे वाले खेत में आए और लंगड़े ढूंढने लग गए। तो पापा मैं भी करूँ आपकी हेल्प? तो मुझे एक लंगड़ा तो यहीं पे दिख गया। और कई लोग हमको ये बोलते हैं कि आप लोग आजकल यही सब्जी खाते हो क्या? तो आजकल सब्जी यही होती है, तो आजकल हम इसी सब्जी को खाते हैं। क्या कर रहे हैं? तो अभी हम जिन खेतों में आ रखे हैं ना, बरसात के टाइम पे इन खेतों में आना मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि यहाँ भालू का सबसे ज्यादा डर रहता है, भालू इसी खेत में आया रहता है। तो यहाँ पे मुझे इतने ही लंगड़े मिले और पापा जी को देखिए इतने सारे लंगड़े मिले। ये लीजिए पापा जी, आज की सब्जी के लिए लंगड़े तैयार हो गए। तो आज खेत में सबसे ज्यादा मोया लगाने का काम किया भाई ने, भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई ने मेरा काम भी बहुत हल्का किया, आज तो मैंने कम ही लगाया मोया, क्योंकि पता नहीं मन भी नहीं कर रहा था और फिर कंधे में भी ना दर्द हो रहा था बहुत ज्यादा। तो भाई तो अपने बुआरी के बदले का काम भी कर रहा भाई, क्यों करना ही पड़ेगा। नहीं तो तेरी शादी से पहले मेरी शादी करा देंगे। हाँ, इसको बोल रहे है शादी कर, ये बोल रहा है नहीं मैं ही खुद कर लूंगा सारा काम। है भाई क्या राज है, आप शादी क्यों नहीं करना चाहते? कुछ तो राज है। देखिए जी, शादी की तो अभी उम्र हो रही है, आराम से होगी, अभी एक दो साल हो रहे हैं। ना ना ये बात तो नहीं है भाई। माँ भाई की शादी करा दो यार जल्दी जल्दी, देखो मेरे भाई पे कितनी बितरी है। लड़की कमेंट में बोल रहा है, कमेंट करना अपनी कुंडली भेजना। अगर कमेंट में कुंडली, कमेंट में कुंडली नहीं, कमेंट में लिखना कि किसी के यार लड़की होगी तो कुंडली भी भेजना। सर्व संपन्न कन्या चाहिए हमको अपने भाई के लिए। यहाँ पे पापा ने जो घास काटी थी उसकी भारी भी लगा दी है, अब पापा सीधे ले जाएंगे घास को गौशाला में। यहाँ पे हमारी सैली को भी धूप हो गई है तो इसको भी जल्दी से अंदर बांध देते हैं। तो सारे खेतों में अब मोया का काम भी कंप्लीट हो चुका है, तो अब मोया की जो लाट है ना उसको निकाल देंगे और मोया अलग रख देंगे और जो लाट है उसको संभाल के रख देंगे। तो चलिए जी, गौशाला का सारा काम निपटा के अब सीधे चलते हैं घर को और लंच बनाने का टाइम भी हो गया है। तो जैसे ही हम खेतों से थक हार के आते हैं ना और धारे का पानी पीते हैं तो सारी थकान दूर हो जाती है, ऐसा जादू है हमारे धारे के पानी में। क्यों मम्मी, जादू है ना धारे के पानी में? ठंडा, हाँ ठंडा पानी है बहुत ज्यादा, फ्रिज से ज्यादा ठंडा, सही बात। अभी शाम के करीब 6 बज चुके हैं और थोड़ी देर में हमारी भी तैयारी हो जाएगी गिरिया जाने की, और अभी मैं आ रखी हूँ ऊपर छत में वीडियो अपलोड करने के लिए। और यहीं पे ना सबसे अच्छी इंटरनेट स्पीड आ रही है, और जैसे मैं इधर उधर जा रही हूँ ना तो इंटरनेट स्पीड बिल्कुल गायब हो जा रही है और ऐसे में वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही है। तो अभी थोड़ी देर मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा वीडियो अपलोड करने के लिए। तो मैंने लगभग 3 बजे से अपनी वीडियो अपलोड पर लगाई हुई थी और अब जाके 6:30 बजे मेरी वीडियो अपलोड हो पाई है बड़ी मुश्किल से। तो अब वीडियो भी अपलोड हो गई है तो जल्दी से निकल पड़ते हैं गिरिया वाले घर के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।